नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फर्स्ट इन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, बैरिस्टर, लेखक और बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ आज़ादी से पहले और बाद में भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को यूपी में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुई थी। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रख्यात नेता के रूप में उभरे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की सेवा की। 1964 में उनकी मृत्यु तक उन्हें कश्मीरी पंडित समुदाय के कारण पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। स्वरूपा रानी और मोतीलाल नेहरू के पुत्र एक प्रमुख वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। नेहरू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और इनर टेम्पल के स्नातक थे, जहाँ उन्होंने एक बैरिस्टर बनने का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और राष्ट्रीय राजनीति में रुचि ली, जिसने अंततः उनके कानूनी व्यवहार को बदल दिया। वह 1920 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वामपंथी धड़ों के प्रमुख नेता बने। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया और कांग्रेस की निर्णायक वामपंथियों को भड़काया। नेहरू और कांग्रेस के 1930 के दशक के दौरान भारतीय राजनीति का प्रभुत्व के रूप में देश को आज़ादी की दिशा में ले जाया गया। सेकुलर का उनका विचार, जब कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया और कई प्रांतों में सरकार बनाई, तब राष्ट्र राज्य को मान्य किया। अपने पुराने सहयोगी और प्रतिद्वंदी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत में मुस्लिम राजनीति पर हावी हो गई थी। सत्ता के बंटवारे के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत विफल रही और 1947 में भारत की स्वतंत्रता और खून विभाजन को रास्ता दिया। नेहरू को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने के लिए चुना गया था। हालांकि नेतृत्व का प्रश्न 1941 में आ गया था, जब गांधी ने नेहरू को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया था। 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसके बाद उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य रूप से उन्होंने एक बहुवचन बहुदलीय प्रणाली का पोषण करते हुए एक कॉलोनी से एक गणतंत्र तक भारत के संक्रमण का निरीक्षण किया। विदेश नीति में उन्होंने दक्षिण एशिया में भारत का क्षेत्रीय विषमता के रूप में पेश करते हुए कुछ निर्देश आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस से एक पकड़ पूरी पार्टी के रूप में उभरी, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर हावी रही। 1951, 1957 और 1962 में लगातार चुनाव जीती। उन्होंने 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक से अपना उद्घाटन भाषण दिया। जुलाई 1946 में नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी रियासत स्वतंत्र भारत की सेना के खिलाफ सैन्य रूप से नहीं टिक सकती। जनवरी 1947 में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में राजाओं के दैवीय अधिकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मई 1947 में उन्होंने घोषणा की कि जो भी रियासतें संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करती हैं, उन्हें दुश्मन माना जाएगा। नेहरू ने 18 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पहली बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में और 1950 में भारत के गणतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक विदेश नीति के साथ साथ आधुनिक भारत की सरकार और राजनीतिक संस्कृति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक प्रणाली बनाने, ग्रामीण भारत के सबसे दूर के कोने में बच्चों तक पहुंचने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। नेहरू जी अंग्रेजी के प्रखर लेखक थे और उन्होंने कई किताबें लिखी।
जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और उनकी आत्मकथा टावर्ड फ्रीडम। अपने जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू ने भारत में एक प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया और उनके आदर्शवाद और राज्य कौशल के लिए दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। नए संविधान को अपनाना 1950। भारत का नया संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारत को संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बनाया। नए गणराज्य को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के विजन और गवर्निंग नीतियाँ। नेहरू के लिए आधुनिकीकरण राष्ट्रीय लक्ष्य था, जिसमें 7 लक्ष्य थे: राष्ट्रीय एकता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगिकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास और कूटनिरपेक्षता। कुछ अन्य नीतियाँ हैं उनकी: आर्थिक नीतियाँ, कृषि नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, भाषा नीतियाँ, विदेश नीतियाँ और रक्षा और परमाणु नीतियाँ। उनकी मृत्यु 1962 के बाद नेहरू की सेहत में लगातार गिरावट आने लगी और उन्होंने 1963 में कश्मीर में पुनः स्वस्थ होने में महीनों बिताए। कुछ इतिहासकार इस नाटकीय गिरावट का श्रेय चीन भारतीय युद्ध पर उनके आश्चर्य और तीर्थ यात्रा को देते हैं, जिसे वे विश्वासघात के रूप में मानते थे। 27 मई 1964, उसी दिन को स्थानीय समय 2 बजे उनकी मृत्यु की घोषणा की गई थी। माना जाता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी। नेहरू की मृत्यु ने भारत को अनेक नेतृत्व में कोई स्पष्ट राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सफल बनाया। उनके कुछ पुरस्कार: 1955 में नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के बिना सम्मान दिया, क्योंकि वह सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया होगी। चाचा नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके आजीवन जुनून और बच्चों और युवाओं के कल्याण, शिक्षा और विकास के लिए काम करते हैं। आइए हम कुछ फोटोग्राफ देखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।